बल्लेबाज है केंद्रेकर सर, ही अवर डिविजनल कमिश्नर आईएएस सुनील केंद्रेकर सर, वेलकम। और बढ़िया क्रिकेट यहां पर चलता हुआ पहले ओवर खेला है और आप लोगों की जो ख्वाहिश है उस हिसाब से हम कल से काम पे लग जाएंगे। और ये जो मसला है वो खासदार साहब का तो हमें सहायता लगेगी, पर जो बाकी इश्यूज है उनके ग्राउंड के वगैरह वो हम सब सॉर्ट आउट कर देंगे, ये हम लोग आपको बताना चाहते हैं। ये जो टूर्नामेंट है ये हमने एक थीम के अतराफ ये किया है कि नशा मुक्त औरंगाबाद को, ड्रग फ्री औरंगाबाद, से नो टू ड्रग्स। इस बारे में आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं गुलशन महल में रहता हूँ, ये एरिया का ही रहने वाला हूँ। बीच बीच में बहुत सारी चीजें हमारे भी कान पे आते हैं कि कुछ गोलियां बेची जाती है या कुछ छोटे मोटे जो झगड़े भी होते हैं वो छोटे मोटे यही चीजों से होता है, नशा की वजह से। हम आपसे ये सब लोगों से गुजारिश करते हैं कि आपके कोई दोस्त होंगे, जो भी होंगे, जो इस गलत लत के साथ आगे जा रहे हैं उनको रोकना चाहिए। और जैसे खेलना ज्यादा पड़ेगा तो नशे की तरफ लोग भी कम जाएंगे। तो आप सबको विनती है कि आपका कोई भाई हो, दोस्त हो, कोई भी हो या पहचान वाला हो, नहीं पहचान वाला, नशे के खिलाफ बात करो, ये अच्छा नहीं है। वो सब तो नाश करेगा तो जो लेने वाला है उसका ही करेगा, उसके फैमिली का करेगा, ये थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना है केंद्रेकर साहब ने ये कहा है और केंद्रेकर साहब के बारे में ये कहा जाता है कि वह जबान के बहुत पक्के थे। अगर उन्होंने कह दिया है कि मैं कल से ही काम पर लगूंगा तो बहुत जल्द यहाँ पर आप सबके लिए एक अच्छी खबर आने वाली है कि आमखास मैदान के ऊपर स्टेडियम बनेगा तो केंद्रेकर साहब की निगरानी के अंदर ही बनेगा और उनके दौर एज डिविजनल कमिश्नर के दौर में ही यहाँ पर एक स्टेडियम बनेगा। सर थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर।